में लव कुश टेडर और ठटिया में राम लखन की जोड़ी जो है आ जाए और देखते हैं क्या रेट आलू लगता है। लाल आलू है, क्या रेट मांगो भैया? 400 मांगो। आपने कहा बताओ भैया? अरे आलू चली फिर बार नहीं, 81 रुपए लिखो। सही तो है, टमाटर मामला हम आदमी से कह चुके हैं 81 रुपए का लिखाओ, 81 रुपए ना 91 पार्टी सामने हम दोनों ले रहे आलू, आदमी ले रहा फोन में हम, आप तो पहले दिन हम एक दिन आलू ले चुके हैं, आलू ले चुके हैं एक दिन दुकान आए ब्राह्मण है ब्राह्मण ₹350 बंद करते। नीरज भैया कहाँ पोजीशन है पड़ा? ढीली ढाली पोजीशन कहीं बिक्री बाजार हजार डाउन, यही सवाल है। आज झटिया में तो बिक्री नहीं हो रही है ना, ऐसे बिक्री की थोड़ा बहुत आलू आया है तो ऐसे हिसाब से बिक्री होगी। आमद कमजोर है? हाँ आमद तो कमजोर है। अल्लाह भैया आप तो बेच दिया पहले? जी 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 जी। आप तो बेच दिया? कितने कट्टा लिया? ये 219 पैकेट है। 219 जी जी। क्या रेट बेच दिया? 85 में बेचे इसको, 385 में। वही तो आप बता रहे पहले भी आपने? हाँ पहले व्यापारी आया था 85 में दिया लेकिन किसान माना नहीं तो फिर सौदा कैंसिल करवा दी थी उसकी। निंजा वाले भैया भी हैं, निंजा कंपनी की, ये भी माल लोड करवाते हैं, इनसे भी आज चर्चा होगी। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी कंपनी एक प्लेटफॉर्म देती है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिनका पेमेंट मर जाता है जो मंडियों में भेजते हैं तो पेमेंट गारंटी हमारी कंपनी देती है। पेमेंट का गारंटी साथ भी? हाँ पेमेंट गारंटी देती है हमारी कंपनी और सर्विस देती है। और वहाँ पे जो आप पूरी बात बताओ, हमारी जो कंपनी निंजा है हम आपको बता दें कि हमारी कंपनी पेमेंट गारंटी देती है। यहाँ से जो माल लोड होके जाता है अलग मंडियों में तो आपका पेमेंट मरेगा नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और जो माल वहाँ पे उतरेगा, जो माल क्वालिटी आप यहाँ भेजते हैं, हमारी कंपनी के बंदे हर मंडियों में हैं और अपने सामने उसका वीडियो भी बनाते हैं और उसकी फोटो भी खींचते हैं, आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको उधर से कोई धोखा ना मिल पाए कि आपका आलू गलत था। जैसा आपने आलू यहाँ से भेजा है वही स्थिति आपको वहाँ पे फोटो खींच के आपको भेजेंगे। और प्लस क्या है कि हम सिर्फ सर्विस के रूप में 1% हम लेते हैं, 1% लेते हैं, जिससे आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं कि आपकी अगर 2 लाख की गाड़ी बनी है तो 1-2 हजार रुपए आप हमारी कंपनी में जमा कर देते हैं और आपका पेमेंट सुरक्षित हो जाता है। मतलब 1% अगर व्यापारी जमा करता है तो उसकी पेमेंट सुरक्षित है। बिल्कुल खुद भैया बढ़िया है मामला ये। हाँ बढ़िया है, बढ़िया मामला ना इनका भाई साहब का बहुत अच्छा। पाठक जी जरा इधर आओ, पोजीशन बताओ आके, क्या पोजीशन चल रही है आलू की? कितने भैया से जुड़े? हाँ, 2000 रुपया तो जाए रहे यार, कम से कम ये तो है कि हमारी रकम तो सुरक्षित है। बहनचोद झूठी बोलत साले, पेमेंट को कोई हर समय यही लगो रहा था खतरा को मरना चाहिए। आप समझ लीजिए अगर व्यापारी ने आपसे 5वें दिन पेमेंट देने के लिए बोला हुआ है और हमारी ऐप के थ्रू आप पेमेंट उसको बेच रहे हैं, अगर 5वें दिन नहीं देता है तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कंपनी आपको पेमेंट दे देगी और कंपनी व्यापारी से ले लेगी, आपसे कोई मतलब नहीं है। पाठक जी ये निंजा वाले कह रहे हैं 1% जमा कराएं पेमेंट की गारंटी, आपको कहां तक सही लगता है? नहीं तो हमारी समझ से सही काम है, बढ़िया है, पैसा सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है, 1% जमा होगा लेकिन पैसा सुरक्षित है। सर आलू विषय में थोड़ा बताइए, पक्की फसल क्या पोजीशन बनने वाली प्रोडक्शन तो लग रहा है ठीक, किसी जैसे बहुत ठीक है, किसी खेत में बहुत कम है। जैसे ये जो हाइब्रिड आलू है उसमें प्रोडक्शन ठीक है और बाकी जैसे चिप्सोना है, हालैंड है, इनका प्रोडक्शन डाउन लग रहा है। विशेष जो है हालैंड में ज्यादा कम है, हालैंड में कम है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल हालैंड प्रोडक्शन कम हो गया? हाँ हमारी समझ से 30% कम रहेगा। कम रहेगा लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है? क्षेत्रफल हालैंड का ज्यादा नहीं, मतलब टोटल आलू का कुछ ज्यादा हालैंड ज्यादा। हालैंड कहीं ना कहीं ठीक है, सही दिखाई दे। हाँ हालैंड ठीक है, हालैंड और चिप्सोना वगैरह जो है मोटे आलू की पोजीशन ठीक रहेगी। कोल्ड तो भर ही जाएंगे? अब कोल्ड भर जाएंगे लेकिन कोई पोजीशन खराब नहीं रहेगी, खराब नहीं रहेगी, कतई खराब नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि पोजीशन आने वाले समय में खराब नहीं रहेगा, सामान्य रेट रहेंगे जैसे पिछले साल रहे। हाँ वही रेट लगभग वही चलेंगे। पिछले साल भी इस टाइम 400 के आसपास सफेद आलू बिक रहा था और लाल आलू 500 के। ये भरसार में 500 रुपए 550 रुपए आलू बिकेगा हमारे समझ से पैकेट।
तो कुल मिलाकर के आलू का भविष्य कोई खतरे में नहीं है, फिर भी बेचते रहेंगे तो बिकता रहेगा और अगर रुक जाएंगे तो फेंकने के चांस बढ़ जाते हैं, क्यों भैया? हाँ, रुकेगा आलू। ये जो ये भाव डाउन हुआ है, इसका रीजन ये है कि कच्ची और पक्की की बुआई एकदम हो गई। हाँ, तो अब सब स्थिति सामान्य आएगी। कुछ प्रोडक्शन भी लाल में कम है, बरसात लेट हुआ है जी जी, तो इसलिए जो है खेत में बुआई लेट हुई है, इसलिए सब साथ साथ हो गई फसल कच्चे पर। बाजार की ज्यादा स्थिति डाउन हो गई। हाँ, अब सब सही आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब सब सही सामान्य स्थिति में चलने वाला है और जो भी आलू बचा है कोल्ड में जाएगा, कोल्ड के हिसाब से किसान अपने हिसाब से अपने विवेक से आने वाले समय में आलू की बिक्री